हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन वन ऑफ सप्लीमेंट्री बुक फॉर क्लास एट। लेसन्स नेम इज़ हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इसका मतलब है कि किस तरीके से ऊँट को इसका वो कूपड़ मिला जो कि इसकी बैक पर होता है, उभरा हुआ बॉडी में जो पार्ट्स होता है उसे कहते हैं हम्प। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगिन। संसार बिल्कुल अभी शुरू ही हुआ था। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। और जितने भी जानवर थे वो इंसान के लिए काम कर रहे थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग। वहाँ पर एक सबसे आलसी जानवर भी था जो कुछ भी नहीं करता था, जिसने कुछ भी नहीं किया। एंड सेड नथिंग बट हम्प। और कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ हम्प कहा। Even the clever Zin was at his wit's end. And यहाँ तक कि जो सबसे चतुर जिन था वो भी अपनी सारी मैजिकल पावर्स से भी उसको चेंज नहीं कर पाया। उसकी सारी शक्तियाँ भी उसके आगे फेल हो गई। At his wit's end का मतलब वहाँ पर उसकी बुद्धिमानी भी सारी यूज़ नहीं हो पाई। जिन का मतलब होता है स्पिरिट दैट हैज स्ट्रेंज पावर्स। ऐसे स्पिरिट जिसकी कुछ अजीब शक्तियाँ होती हैं, विचित्र होती हैं। एंड कैन अज्यूम एनी फॉर्म ह्यूमन और एनिमल। वो इंसान भी बन सकता है और जानवर भी बन सकता है। नाउ वी स्टार्ट द लेसन। इन द बिगनिंग, शुरू में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब पूरा का पूरा संसार न्यू था, नया था। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। और इन जानवर इंसान के लिए काम करना सीख रहे थे। देयर वॉज ए कैमल, तब वहाँ पर एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट। हाउलिंग रेगिस्तान के बीच में रहता था। बट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो हाउलिंग डेजर्ट में, रेगिस्तान में रहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो कटीली झाड़ियाँ, प्रिकल्स का मतलब कटीली झाड़ियाँ, थॉर्न्स का मतलब कांटे वाले कांटे, स्टिक्स तिनके वो खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम, और जब कोई उससे बात करता था, बोलता था कुछ, ही सेड हम, वो सिर्फ यही कहता था कि हम, जस्ट हम, केवल हम वर्ड कहता था, नो मोर, और कुछ नहीं कहता था, कोई भी बात नहीं करता था जब भी कोई उससे बात करे तो। Presently the horse came to him on Monday morning. Monday की सुबह को उसके पास में एक हॉर्स आया with a saddle on his back. उसकी बैक के ऊपर उसकी गद्दी वगैरह जो उसके ऊपर रखी जाती है हॉर्स पे बैठने के लिए, जो गद्दी बिछाई हुई होती है उसे कहते हैं सैडल। इसी तरीके से जब हॉर्स अपनी सैडल के साथ में, उसकी बैक के ऊपर जो सैडल थी उसके साथ में आया और कहा कि कैमल ओ कैमल कम आउट, ओ ऊँट बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और जैसे हम लोग चल रहे हैं। ट्रॉट का मतलब होता है घोड़े की जो चाल होती है, स्टेप बाय स्टेप जो चलता है उसे कहते हैं ट्रॉट। हम लोगों की तरह से तुम भी चलो, धीरे धीरे चलो और काम करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और वो हॉर्स वहाँ से चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और इंसान को जाकर बता दिया। Presently the dog came to him. फिर उसके बाद में डॉग पास में आया with a stick in his mouth. उसके मुँह में एक स्टिक थी, लकड़ी थी। And said, और कहा कैमल ओ कैमल, ऊँट ऊँट, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह से सामान ऐसे ही लेकर चलो जैसे हम सब लेकर जा रहे हैं, रेस्ट ऑफ अस, हमारी तरह से बाकी लोग ले जा रहे हैं। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और डॉग वहाँ से चला गया और आदमी को जाकर बता दिया, इंसान को जाकर बता दिया। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर उसके पास में ऑक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक। उसकी नेक में पूरा जो बूल्स होते हैं, बूल्स के ऊपर जो कार्ट होती है उसके ऊपर पूरा जुआ लगा होता है, जो प्लफिंग के लिए देखा होगा कि एक लकड़ी का ढांचा सा बना हुआ होता है, और उसके इसी तरीके से उसकी नेक पर भी योक था ऑक्स की। एंड सैड वो उसके पास में आया, कैमल के पास में, और कहा कैमल ओ कैमल, कम एंड प्लफ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम लोगों की तरह से तुम भी खेतों में जुताई करो जैसे हम कर रहे हैं,
तरीके से करो जैसे और सभी लोग काम कर रहे हैं। हम्प, सेड द कैमल, कैमले का हम्प, एंड द ऑक्स वेंट अवे, और ऑक्स वहाँ से चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और इंसान को जाकर बता दिया। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। दिन के अंत में उस आदमी ने घोड़े को, डॉग को और ऑक्स को इकट्ठा बुलाया और कहा, थ्री और थ्री, आप तीनों के तीनों, आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे आप लोगों के लिए खेद है, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्प नाम की जो चीज़ है इस रेगिस्तान के अंदर, कांट वर्क, वो काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, अब वो यहाँ पर है, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसीलिए मैं उसे बिल्कुल अकेला छोड़ रहा हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, उसके काम की जगह पर आप लोगों को काम करना है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, इस बात ने उन तीनों को गुस्सा कर दिया, एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने रेगिस्तान के एक किनारे में अपनी पंचायत की। एंड द कैमल केम च्यूइंग कट, और कैमल वहाँ पर चबाते हुए आया। आपने देखा होगा कि कैमल जब च्यू करता है तो उसकी माउथ की जो स्किन होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, अलग ही तरीके की होती है, तो वो उसे चबा रहा था। कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर हंसा। देन ही सेड, फिर उसने कहा, हम, और हम कहकर वो वहाँ से चला गया, एंड वेंट अवे अगेन, दोबारा वहाँ से चला गया। उनकी पंचायत में कैमल आया भी, और वो तिनके वगैरह खा रहा था, च्यूइंग कर रहा था, और उनके ऊपर हंसकर और सिर्फ हम कहकर चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर वहाँ पर एक जिन आया जो कि क्लाउड की फॉर्म में आया, जैसे मिट्टी का क्लाउड बन जाता है, बादल सा बन जाता है, उस तरीके से रोल होकर आया, जिसके पास में पूरे जितने भी डेजर्ट थे, रेगिस्तान थे, उन सब का चार्ज उसी के पास में था। तो वो वहाँ पर जिन आया बादल की फॉर्म में, मिट्टी के बादल बनकर आया। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, आप तो सारे रेगिस्तान के जिन हो, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आइडल का मतलब सुस्त, क्या ये सही है किसी का सही होना, किसी का सुस्त होना सही है? सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा फिर, अच्छा, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, वहाँ पर उस डेजर्ट के बीच में एक लंबी नाक गर्दन वाली और लंबी टांगों वाली एक चीज़ है, एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने कुछ भी काम नहीं किया है सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की मॉर्निंग से उसने कोई भी काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो चलेगा भी नहीं। यू सेट द जिन विस्लिंग, जिन ने विसल की साउंड, सिटी की साउंड निकालते हुए, व्यू दैट इज़ माई कैमल, वो मेरा ऊँट है, वट डज ही से अबाउट इट, उसका ये क्या कहना है, उसका क्या कहना है? ही सेज हम एंड ही वॉन्ट ब्लफ, सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा वो तो बस केवल हम्प कहता है, फिंग भी नहीं करता है, ब्लफ भी नहीं करता है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, अगर कुछ मिनट के लिए तुम इंतजार करो तो मैं उसे सचमुच में सही कर दूंगा। आई विल हम्प, हम्प का मतलब होता है आई विल सेट हिम राइट, मैं उनको बिल्कुल सही कर दूंगा। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम, रिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है कंप्लेन करना, जिन ने कंप्लेन की उस कैमल से, हु सेड हम, जो कि हम कह रहा था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू ए लंप, तभी कैमल की उस सुंदर सी कमर के ऊपर अचानक एक लंप, एक ढेर सा उग गया, विच वॉज द कैमल्स हम, जो कि कैमल का ही हम्प था, कैमल का कुबड़ था। द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प, जिन कैमल को अश्योर किया, आश्वस्त किया कि ये जो हम्प है वो उसकी हमेशा मदद करेगा, नॉट ए हिंड्रेस, वो उसके लिए कोई भी बाधा नहीं बनेगा, लेकिन वो उसकी मदद करेगा। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक, एक मिट्टी के फॉर्म में
जिन ने अपने आप को रोल किया, गोल गोल घुमाया एंड टुक ए वॉल अक्रॉस द डेजर्ट, और उस रेगिस्तान के अंदर वॉक लिया, वहाँ पर घूमा एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर। और उस जिन ने देखा कि वो कैमल अपनी परछाई को देख रहा है, पानी के तालाब के अंदर अपनी परछाई को देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, वट इज़ दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन वहाँ पर बैठ गया, विद हिज चिन हिज हैंड, अपनी दाढ़ी को अपने हाथ में लेकर, वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि कैमल अपनी परछाई को देख रहा था उस तालाब के पानी के अंदर। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर अडलनेस, सेड द जिन। जिन ने कहा कि तुमने मुझे 3 एक्स्ट्रा काम दे दिए हैं मंडे की मॉर्निंग से, और वो भी तुम्हारी सुस्ती की वजह से, कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे आलस की वजह से। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और जिन ये बात अपने दाढ़ी को अपने हाथों में लेकर ये बात सोच रहा था। हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम्प, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन। जिन ने कहा मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, तुम हर बात के लिए हम्प हम्प कहे जा रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं ये नहीं कहता, बार बार नहीं कहता, सेड द जिन। जिन ने ये बात कही, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसे बहुत बार बोल चुके हो, आई वॉन्ट यू टू वर्क, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, कैमल ने फिर भी कहा हम्प अगेन दोबारा, बट नो सूनर हैड ही सेड इट, लेकिन उसने कहा भी नहीं था दोबारा से, देन ही सा हिज बैक, तब उसने अपनी कमर को देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके लिए उसे ज़्यादा घमंड था, अहंकार था। पफिंग अप, वो बढ़ी जा रही थी, उभरती जा रही थी, एंड पफिंग अप इन टू ए ग्रेट बिग हम्प, और एक बड़े कुबड़ के अंदर चेंज हो गई, बड़े एक ढेर सा उसकी कमर के ऊपर उगाया। डू यू सी दैट, क्या तुमने देखा, सेड द जिन। जिन ने कहा, दैट इज़ योर वेरी ओन हम दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये वही हम्प है जो तुम्हारे उस पे कमर पे उगाया है, जो कि तुम्हारे काम ना करने की वजह से उगा है। टूडे इज थर्सडे, और आज बृहस्पतिवार का दिन है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं किया है। वेन द वर्क बिगिन, जब से काम शुरू हुआ है, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब आप काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा कैसे करूँगा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, इतना सारा ये हम्प मेरी कमर पर है, इसके साथ में मैं कैसे काम करूँगा। दैट हैज़ ए पर्पज, सेड द जीन्स, जिनने कहा इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 डेज, क्योंकि तुमने वो 3 दिन काम नहीं किया, यानी कहा मिस किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग, अब तुम 3 दिन बिना कुछ खाए इससे काम कर सको, जो हम्प आपका है इससे आप 3 दिन बिना कुछ, क्योंकि 3 दिन तुमने वो काम नहीं किया, तो 3 दिन बिना कुछ खाए तुम इसके हम्प की मदद से 3 दिन काम कर सकोगे। बिकॉज यू कैन लीव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम इसी हम्प से ही जिंदा रह सकोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर तुम कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अब रेगिस्तान से बाहर निकलो, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, और अब उन तीनों के पास में जाओ। कौन थे तीनों ये? हॉर्स था, ऑक्स था और डॉग था। एंड बिहेव, और अच्छे से बर्ताव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, और कैमल उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए वहाँ चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, उस दिन से आज तक, द कैमल ऑलवेज वेयर वियर्स एक हम्प, कैमल हमेशा से उसकी कमर पे कुबड़ होता है, तभी से वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम उसे हम्प कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उस कैमल की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करने के उद्देश्य से नहीं करना चाहते, बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन अभी तक भी वो उन 3 दिनों को पूरा नहीं कर पाया है
दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब संसार के शुरुआत में उसने वो 3 दिन का काम मिस किया था, एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और आज तक भी उसने सही से एक बर्ताव करना नहीं सीखा है।